उर्दू अगर बात की है तो बहुत कुछ उसका जो कंट्रीब्यूशन है उस सिलसिले में वो मदारिस का है और मदारिस खिदमात का है, और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इन मदारिस के जरिए से हमारे लोगों की खिदमत के तालुक से कहा जा सकता है वो ये है कि इन मदारिस के लोगों ने और इन मदारिस के खालिदीन ने इस मुल्क के अंदर दावत हक की सभा को रोशन रखा है। इस मुल्क को जरूरत है आसमानी हिदायत की, इस मुल्क को जरूरत है ईमान की, इस मुल्क को जरूरत है अल्लाह ताला की जानिब से आई हुई रोशनी की। इस रोशनी को आम करने के लिए और इस रोशनी को फैलाने के लिए मदारिस के फारिगीन ने, मदारिस के फुजला ने बहुत कुछ किया है और अभी वो कर रहे हैं। बहुत सारे इस तरह के पहलू हैं जिनको आप लोग की आप उनकी तालीम और तरक्की के सिलसिले में पेश कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। बस एक दूसरा जो पहलू है उस पर चल पाते हैं पेश करके तो अपनी बात को खत्म करूँगा कि ये जो मदारिस है इनकी जो खिदमात है वो आगे कैसे है। चंद पहलू ऐसे हैं कि जिन पर अगर तवज्जो दी जाए तो ये जो खिदमात है इनका दायरा और वसी हो जाएगा, कारकर्दगी और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी और मदारिस की इफादियत में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। उसमें एक पहलू ये है कि निसाब और निज़ाम एक ऐसी चीज है जो जारी नहीं होती, तो उसके ऊपर बराबर गौर होना चाहिए और बेहतरी लाने की बराबर कोशिश होनी चाहिए। उसके अंदर इंतला पसीने की कैफियत ये बराबर जारी रहनी चाहिए। इस पर बहुत कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं और हमेशा हालात के लिहाज से तब्दीली के लिए तैयार रहना चाहिए। बात आई है कि बाहमी इश्तराक यकसानियत भी पैदा कर सकें और एक दूसरे का पहलू आ जाए तो उससे बड़ा फायदा होगा। एक और पहलू ये है कि वहाँ जो तलबा है, जो फारिगीन है, आपके कर्जों में है, अध्यात का पता, यहाँ की तहजीब और यहाँ की तारीख का पता है, इसका इंतजाम कराया जाए, तालिबीन के ज़माने में कुछ फील्ड वर्क भी कराया जाए और आज के हालात के लिहाज से कंप्यूटर के इस्तेमाल की भारत रूप के अंदर पैदा की जाए। इन पहलुओं पर अगर तवज्जो दी जाएगी तो बेहतरीन तारे पैदा होंगे और बहुत ही कारगर किस्म के लोग पैदा होंगे जो इस्लाम की तर्जुमानी बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। इसी तरह से मदारिस में तहकीक और रिसर्च के शोबे की तरफ भी तवज्जो की ज़रूरत है ताकि अच्छे अच्छे मुहद्दिक़ीन और अच्छे अच्छे मुसन्निफ़ीन वहाँ से हमें मिलते रहें। और एक और अहम काम कि मदारिस के अवकाफ को मजबूत और मुस्तहकम करने की ज़रूरत है ताकि मदारिस इत्मीनान के साथ अपने जिम्मेदारी को जारी रख सके। और आखिरी चीज़ ये है कि मदारिस का एक बुनियादी मकसद ये है कि वो इस्लामी तहजीबी क़यादत के लिए अफराद तैयार करें, इस्लामी तहजीब का जो तहफ़ करा सके और इस्लाम के ऊपर होने वाले शुबहात के इतराज़ात उनका जवाब दे सके और असरे हाथ की जुबान में उसके उस रूप में इस्लाम की दावत को पेश कर सके। इस लिहाज से मुंतखब जो फुजला है, नौजवान है, उनको तैयार करना और उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाना, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इन पहलुओं पर अगर तवज्जो दी जाएगी तो और ज़्यादा कारकर्दगी में इजाफा होगा। ये मदारिस हमारे मुल्क का असासा है, इनकी गैर मामूली हिफाजियत है, हर पहलू से ये हमारे मुल्क को फायदा पहुँचा रहे हैं और हमारे समाज को फायदा पहुँचा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इनका सही तआरुफ़ कराया जाए और इनके जरिए से जो खिदमात अंजाम दी जा रही हैं वो लोगों तक पहुँचाई जाए। ये प्रोग्राम की उसका एक हिस्सा है, इस तरह की कोशिशें होनी चाहिए। वो आपको दावा रहा बेहतर नहीं समझा।
हमारा आज का टॉपिक था कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लामिक मदरसा इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के सदर जनाब मसरूर उस्मानी साहब को दावा देना चाहूँगा कि वो आए और सम्मानित करें। सबसे पहले तो मैं दूर दराज से आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इस तारीखी हिस्से से बहुत में आप सब लोगों का खैर मकदम करता हूँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर इस यूनिवर्सिटी की एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में बुनियाद रखी है जहाँ पर हम लोग बैठे हैं। अलहमदिल्ला सब लोग इस बात से वाकिफ हैं कि लोग डाइस पर तशरीफ रखते हैं। ये मदरसा एजुकेशन का जो प्रोग्राम हुआ इस प्रोग्राम के अंदर जो टॉपिक था बहुत वाइब्रेंट टॉपिक, बहुत लोगों ने मुझसे ये बात की, ये जो टॉपिक आपने रखा है कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लामिक मदरसा इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये आपका जो सही नहीं रखा इसको बदलना चाहिए, कुछ और रखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर इस पर बात अगर सही से छेड़ दी जाए और ढंग से अगर बात की जाए तो सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाएगी। ये क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मदरसा का हिंदुस्तान की तरक्की में, अगर गिनवाने की बात करें तो बस इतना ही कहेंगे कि आज़ाद हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति देश के, वो भी एक मदरसा के द्वारा थे। तो ये है कंट्रीब्यूशन मदरसा हिंदुस्तान के अंदर। बात सिर्फ रविन्द्रनाथ टैगोर साहब पर नहीं ठहरती है और आगे बढ़े जितने भी साहित्यकारों के फहरिस्त में आप जाइएगा तो वहाँ भी देखिएगा कि इब्तदाई तालीम है वो कहीं ना कहीं मदरसे से जुड़ी हुई, चाहे वो किसी भी मजहब में हो, चाहे वो मजहब हिंदू हो, चाहे वो किसी और मजहब से जाए, कहीं ना कहीं उनकी इब्तदाई तालीम जो है वो मदरसे से ही है। देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब मदरसे से थे और देश के राष्ट्रपति बने। हिंदुस्तान ने उनको एक लग दिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो ये कौन है? ये वही लोग हैं जो मदरसे से निकल रहा है। ऐसे एक दो लोग नहीं है, हजारों की तादाद जो मदरसों से निकली और जिन्होंने हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन किया है। तो अगर कोई डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन इसकी बात करेगा तो मैं ये मानता हूँ कि कलाम साहब को मिसाइल मैन कहा जा रहा है। आज हिंदुस्तान एक पावरफुल देश है, एक सुपर पावर नहीं कहेंगे लेकिन आप कह सकते हैं कि हाँ एक सुपर पावर अगर उभर के आ रहा है वो कलाम साहब की देन है, वो मदरसे से। राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति वो भी मदरसे से। कुछ लोगों ने जान बूझ कर चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं मदरसे की इमेज को ब्लैंड करने की कोशिश की और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तान के अंदर मदारिसों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये दहशतगर्दी के अड्डे हैं। मैं उन तमाम लोगों को बुजुर्ग मजम्मत करता हूँ और ये कहता हूँ कि अगर आपको शक है कि मदारिस में दहशतगर्द बनते हैं तो आप आइए मदारिसों में ढूंढिए, तब आपको मालूम चलेगा कि मदारिस वो जगह है जहाँ से हिंदुस्तान में एक से बढ़कर एक नौजवान दिए हैं, वो जगह है जहाँ पर आपको टूटे हुए लोटे मिलेंगे, फटी हुई चटाई मिलेगी और हजारों की तादाद में वहाँ पर बच्चे मिलेंगे, कुरान हदीस और तमाम तरह की पढ़ाई का तखमीना होगा टोटल खर्च। तो सर सैयद घर में गए और 500 रुपयों की एक थैली लिया और लोगों को दिया, कहा कि ये लो और इससे गरीब बच्चों का वजीफा मुकर्रर करो और उन्हें तालीम दो और खाना जाके घर खा लेना जैसा कि पहले घर में खाते। तो
जो आज के प्रोग्राम के मेहमान एजाजी जी हैं, प्रोफेसर बशीर अहमद खान सर जो कि एबीएसयू के सदर भी रहे हैं, उनका सियासत से समाजियात से कहीं ना कहीं बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। सर का सर एक्स पीवीसी इग्नू भी रह चुके हैं और साबिक डीन फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज जामिया मिलिया भी रह चुके हैं। मैं सर से दरखास्त करूँ